अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन पूरी तरीके से गॉड ऑफ ड्रीम से फंसा हुआ होता है। तभी वहाँ पे फ्रैंकलिन का भाई फ्रैंकी अपनी टाइम स्टॉप की पावर लेके फ्रैंकलिन को दे देता है और उसे बाकी के सारे लैंटर्न्स को लेने के लिए भेज देता है। फ्रैंकलिन एक एक करके शिनचैन और चॉप की मदद से सारे लैंटर्न के पास जाके उनकी पावर्स ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ताकतवर हो जाता है। और शिनचैन और चॉप और फ्रैंकलिन मिलके अपने टाइम लाइन में गॉड ऑफ ड्रीम्स को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो का लाइक है मैं 30,000 लाइक आई होप आप करवा दोगे। और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियोस की अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। अब आगे, अब हम इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है इटर्नल्स। तो आप सब लोग इस सिचुएशन से दूर रहे तो ही बेहतर है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम इटर्नल्स अर्थवासियों को खो देंगे। अब ये वॉर तो शुरू हो चुकी है। सही कहा तुमने, हम इस वॉर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम इस पूरी अर्थ को खो देंगे। इससे बेहतर है कि हम लोग उनको जो होना है होने दें। इसका मतलब यहाँ पे जंग शुरू हो चुकी है। सही कहा, इंसानों ने फ्रैंकलिन को जिस कारण से भेजा था लगता है वो पूरा नहीं हुआ। फ्रैंकलिन अपने मकसद में लेट हो चुका है और जंग में लेट होना मतलब अपनी हार होता है। तो यहाँ पे इंसान हार गए क्योंकि फ्रैंकलिन यहाँ पे लेट हो चुका है। यही फ्यूचर है। हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा इस जंग में जीतता कौन है। मेरे हिसाब से तो मानोगे तो गॉड ऑफ ड्रीम्स ही जीतेगा, क्योंकि जंग में एक मिनट भी पूरी सेना को मार के तबाह कर सकता है। यहाँ पे तो बस एवेंजर्स है। चलो फिर भी हम लोग देखते हैं कि ये जंग होती कैसे है। नहीं लग गई। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मैंने गॉड ऑफ ड्रीम्स को रोकने के लिए जो पावर यूज की थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इसका मतलब हम हार गए। मेरा भाई अभी तक नहीं आया, फ्रैंकलिन उस पावर के साथ नहीं आया, और अब मैं भी पूरा फंसा हूँ। गॉड ऑफ ड्रीम्स मुझे मार देगा। मार देगा नहीं, मारने के लिए आ चुका है। क्या तुम यहाँ पे? सही कहा, मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल के मुझे बहुत ही घंटाला आ गया है। अब तुम्हारा नाम निशान खत्म करेंगे। तुम मुझे छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? वहीं पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे तुम्हारे सारे दोस्त यानी एवेंजर्स लड़ाई के मैदान में उतरे। ये क्या, मैंने उनको कहा था रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुके, अब वो मरेंगे। सारी गॉड ऑफ ड्रीम्स की सेना एवेंजर्स को घेर लो। ओ नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई दोस्तों, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम आ गए जंग में, ये रहे तुम्हारे दोस्त, और तुम भी निकलो अपने दोस्त के साथ। ये लो। नहीं लग गई। एवेंजर्स तुम ठीक तो? तुम लोगों को मैंने कहा था जंग में मत आना। तुम भूल गए हो, हम एवेंजर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आजू बाजू में नहीं देख रहे? वकंडा फॉरएवर, आजू बाजू में देखो क्या हो रहा है। असगार की कसम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा फ्रैंकी। क्या कहना चाहती हो, आजू बाजू में क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, तुम लोगों को इन लोगों ने घेर लिया। सही कहा, हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। अब मेरी हजारों साल लेके आर्मी तुम लोगों को तबाह कर देगी। मैं हूँ गॉड ऑफ ड्रीम्स, दुनिया का सबसे महान योद्धा। अब तुम गए, जुआ बिल्ली का खेल खत्म, तुम्हारा अंत आ गया है। मेरी सेना ने तुम लोगों को सब जगह के ऊपर से घेर लिया है। ओह माय गॉड, नहीं, मैंने तो ये देखा ही नहीं। यहाँ पे तो इतनी सारी स्पेसशिप आ गई है, और ये स्पेसशिप तो बहुत खतरनाक है, और इसमें से तो हम लोगों ने एक भी स्पेसशिप को नहीं देखा था। लगता है गॉड ऑफ ड्रीम्स ने यहाँ पे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में सेना लाई है। अब हम लोगों का क्या होगा एवेंजर्स? हम तो पूरी तरीके से मर चुके हैं, अब हमें बचाएगा कौन? और मेरा भाई भी यहाँ पे नहीं आया है। तो इसका एक ही मतलब है कि तुम ये जंग हार चुके हो, तो हार मान लो, और मैं तुम्हें इतनी सारी स्पेसशिप से आजाद दिला दूंगा। कोई भी सेना तुम्हारे ऊपर हमला नहीं बोलेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और मेरा वादा ये, इस दुनिया का शासन मैं जो बोलूंगा वही होगा। तो मेरी बात मानो और इस शहर को मेरे हवाले कर दो एवेंजर्स। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमें डार्क एवेंजर्स, और डार्क एवेंजर्स तुम लोगों से कभी हार नहीं सकते। ये हमारी पावर नहीं है, ये हमारी एकता है। समझ में आया? हम लड़ेंगे। सही कहा एवेंजर्स, तुम में से कोई है जो इस जंग से भागना चाहता है, जो भी अपने जान प्यारी है वो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम लोग मर नहीं वाले। लेकिन हम लोग भागेंगे नहीं। सही कहा एवेंजर्स, भी तुम्हारे साथ है डार्क एवेंजर्स। ये तो गलत बात है, हमें मरना नहीं था, लेकिन ये सबसे रिस्पेक्टफुल अंत होगा हम लोगों का। तो हम लोग रेडी है, करो वॉर और खत्म करके दिखाओ हमें, हम रेडी है। तुम लोग बहुत जिद्दी हो गॉड ऑफ ड्रीम्स।
नहीं, और तेरे की हम लोग ऊपर से क्यों गिरते हर बार? पता नहीं मुझे। ये क्या, ऊपर से क्या गिर रहा है? अल्लाह सल्दी, ये तो उसकी आवाज है ना। सही कहा, ये तो मेरे भाई की आवाज है और शिनचैन की भी, और मेरे हिसाब से वो गंदा डॉगी जो उसी की आवाज है। वो देखो ऊपर, वो गिर रहे हैं। लगता है थोड़ी सी देर हो गई है, साइड हटो सब लोग, ऊपर से टाइम पोर्टल खुल चुका है और तुम्हारा नीचे गिर रहा है गॉड ऑफ ड्रीम्स। ऐसा तुम लोगों ने क्या किया है? तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है फ्रैंकलिन के ऊपर? मैंने उसे पहले भी हराया है। वो तो तुम्हें पता चलेगा मेरे भाई आने के बाद, क्योंकि तुम्हारा अंत आज यहाँ पे होगा। दुनिया का सबसे पुराना विलन गॉड ऑफ ड्रीम्स हमारे हाथों माना जाएगा। ये एक रिस्पेक्टफुल जीत होगी। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। वेट अ सेकंड गाइस, ये क्या चीज है? यहाँ पे तो इतने सारे स्पेसशिप। शिट, मुझे लगता है यहाँ पे जंग चालू हो चुकी है। गॉड ऑफ ड्रीम्स ने हमला कर दिया है। आ रहा हूँ मैं, फ्रैंकलिन आ रहा है, लेकिन कैसे कैसे कैसे? नहीं 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 नहीं, मैं तो गया 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 गया। ये क्या, कहाँ पे आ गया? कौन सी दुनिया है? पूरी वहाँ से भागो, आपके लेफ्ट में देखो। क्या कहा? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। नहीं नहीं नहीं, चिट चिट चिट, भागो 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 भागो। गॉड ऑफ ड्रीम्स, तुम यहाँ पे? तुम फिर से आ गए। हाँ मैं आ ही गया। और ये क्या हो गया? मेरे पास जो पावर्स थी वो कहाँ पे? मैं फिर से टीम फोर लैंटर्न कैसे बन गया? मेरे भाई सुनो, वो पावर तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें उन पावर्स को जगाना होगा इसको मारने के लिए। और ये हम सेफ है देखो। और हम भी सेफ है। और मैं भी सेफ हूँ, आ गया हूँ मैं। और गॉड ऑफ ड्रीम, मुझे याद है तुमने मेरे ग्रीन लैंटर्न को मुझसे दूर किया है, मैं इसे नहीं भूल सकता। सारे लैंटर्न को तुमने मार के बहुत गलत किया है। तो क्या कर लोगे, मुझे रोकोगे? फ्रैंकलिन अंकल, आप दिखा दो आपके पास कितनी सारी पावर्स है। और कर दो इसका आदि, और उसको पता चलना चाहिए हम लोग है कौन। खत्म करो इसे। वेट अ सेकंड, तुम लोग बहुत चोर चोर में बोलते रहे हो, लेकिन एक बात बताओ मुझे कि मैं अपनी अंदरूनी पावर्स को बाहर कैसे लाऊंगा? मुझे नहीं आता। अरे ये क्या बोल रहे हो मेरे भाई? अबे सटिया गए हो क्या? बूढ़े हो गए हो? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? अरे तो पागल जैसी बातें कर रहे हो, ये कोई समय है मजाक करने का? अरे नहीं, मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता इतनी सारी पावर्स मैंने कलेक्ट तो की, लेकिन उनको बाहर कैसे लाऊं? हो गया ना पोपट, हमारी किस्मत फूटी है। अरे फ्रैंकलिन कुछ तो करो। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता मैं पावर्स को कैसे बाहर लाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। ऐसी बात है, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा अटैक करूंगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे दोस्तों को गायब कर दूंगा। अरे ये क्या कर रहा है? अरे लगता है गुर्रा रहा है। नहीं भागो यहाँ से, वो दुनिया का सबसे बड़ा अटैक कर रहा है। मतलब मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा। वेट, ये एनर्जी कलेक्ट कर रहा है। शिट, इतनी सारी एनर्जी कलेक्ट करके वो करेगा क्या? अरे भाई 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 भाई, इतनी एनर्जी नहीं, इतनी एनर्जी कैसे? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वेट अ सेकंड, ये एनर्जी तो बहुत तादाद में बढ़ रही है गाइस, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एवेंजर्स और शिनचैन चॉप और फ्रैंकलिन सारी पावर्स को झेल नहीं पाएंगे, तो मैं काम करता हूँ, इन लोगों को टाइम ट्रेवल करवा देता हूँ। मैं टाइम ट्रेवल करना सीख गया हूँ मेरे भाई की वजह से, तो मैं इनको टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। 3, 2, 1, तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, ये मेरी पावर्स। तेरी की इसके पाव तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं भागो यहाँ से, ये सारी एनर्जी बहुत तादाद में बढ़ा रहा है। ओह माय गॉड, नहीं अब तो हम लोग गए। ओ तिरकी, सब लोग भागो यहाँ से। एवेंजर्स, कोई बात नहीं, मैं हूँ साथ, तो डरने की क्या बात। हमला, सारे एवेंजर्स खत्म। इतनी बड़ी तबाही, और अब मुझे नहीं लगता कोई जिंदा बचा होगा। सब लोग मर गए, ये हुई ना बात। मुझे लगा ही था मैं ही जीतूंगा, कोई नहीं बचा। क्या हुआ मुझसे पंगा लेके? तुम सबका खात्मा मैंने ही कर दिया गॉड ऑफ ड्रीम्स में। चलो चलते। इतनी भी क्या जल्दी है गॉड ऑफ ड्रीम? टाइम रिवर्स और टेलीपोर्ट, मतलब ये क्या, कैसे? ये वाली कहानी में ट्विस्ट आना ही था, क्योंकि कहानियों में ट्विस्ट नहीं होता तो कहानियों में मजा नहीं आता। और सबसे बड़ी बात तुम्हारे लिए कि आज से तुम इस कहानी का हिस्सा नहीं रहोगे। ये कैसे पॉसिबल है? कोई बात नहीं,
तुम्हारे दोस्त तो मारे जा चुके हैं। बेवकूफ बंदे, ये सब कुछ डमीज है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने टाइम को स्टॉप करके मेरे एवेंजर्स को दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट करवा दिया था, और यहाँ पे ये जो मरे पड़े हैं वो बस उनकी परछाई है जिसे मैंने कॉपी आर्ट से यूज किया था। याद है ना तुम्हें कॉपी आर्ट, जब मैंने फ्रैंकलिन द टीम फॉर लैंटन ओवर मैक्स की पावर हासिल की थी, कॉपी आर्ट में सीख चुका था। समझ में आया? अरे बाप रे बाप, फ्रैंकलिन अंकल ये क्या था? अरे हाँ, हम तो टेलीपोर्ट हो गए मैंशन के ऊपर। सही कहा, सारे एवेंजर्स ठीक है। अरे हाँ सही कहा, सब लोग ठीक है, स्पाइडरमैन भी ठीक है। चुप हो जाओ स्पाइडी। अरे यार फ्रैंकलिन अंकल, खत्म करो उसे। अरे वही तो, खत्म कर दो उसे। ऐसी बातें तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अल्टीमेट टीम फॉर लैंटर्न मैक्स पावर, टीम फॉर लैंटर्न। अरे बाप रे बाप, आप कितने खतरनाक हो गए हो। चुप रहो, सबसे पहले इन सारी शिप्स का मैं अंत करके रहूंगा। तुम लोगों का आखिरी समय शुरू होता है। अब मैं अपनी इस दुनिया को तबाह करने से रोकूंगा। अरे ये कैसे पॉसिबल है, ये तो गॉड ऑफ ट्रिप्स ने अभी अभी यूज की थी पावर। अरे इसे कहते हैं कॉपी आर्ट। ओह माय गॉड भाई, बहुत बढ़िया, इसे कॉपी आ करके आपने बहुत बढ़िया किया। इसीलिए तो मैंने पास से इतनी सारी पावर्स लेके आया हूँ। अरे इसका मतलब आप पावर्स को कंट्रोल करना सीख गए थे? बेशक सीख गया था, मैं बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था, क्योंकि यार मेरी ऑडियंस मुझे सब्सक्राइब नहीं करती यार, तो यार उनको ट्विस्ट चाहिए ना। तो यार गाइस अभी तो सब्सक्राइब कर दो, और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना मत भूलना। और ये कोई समय है? अरे अभी तो अब तो बहुत ही चिल हो। अब मैं क्या करूँ, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। येलो, तेरे की इतनी खतरनाक पावर है ये, और ये तो अब यहाँ पे बड़ी भी हो रही है। अब यहाँ पे इसका ब्लास्ट हो जाएगा, और पूरी दुनिया से हजारों साल बाद आने वाली स्पेसशिप खत्म होगी मेरे हाथों, यानी टीम फॉर लैंटर्न। ये क्या स्पेसशिप तो वहीं पे है? सबर करो, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से खतरनाक है। 3, 2, 1 बूम। ओ भाई क्या फटा है। ओ तेरे की, ऐसी बात तो मेरी दुनिया में कभी नहीं देखे। और तुम लोग ऐसी पावर देखोगे भी नहीं। और ये सब स्पेसशिप गायब हो गए। सही कहा चौप, लेकिन एक जन अभी तक बचा हुआ है, और वो है ये। तुमने बहुत गलत किया मेरी सेना को खत्म करके, और तुमने मेरे दोस्तों के ऊपर हमला जो किया उसका क्या। तुम्हारे बीचों बीच, राष्ट्र के बीचों बीच मैं खड़ा हूँ, आ जाओ। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पीछे एक बार जरूर देखना मेरे ऊपर हमला करने से पहले। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे पीछे कौन है? कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी हो। और क्या एवेंजर्स ही होंगे? नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? अरे ये कैसे पॉसिबल है? अरे वही तो, आपने कैसे कर दिया फ्रैंकलिन अंकल? क्या हो गया, हवा टाइट हो गई? गॉड ऑफ ड्रीम, तुम तो हजारों साल पहले के राक्षस हो, इन लोगों को देख के तुम इतने डर क्यों गए? नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इन लोगों को यहाँ पे बुलाना असंभव, असंभव। सब कुछ संभव है, सारे लैंटर्न्स तुम्हारे सामने है। इस दुनिया की सबसे महान शक्तियाँ जो कि अच्छाई के खिलाफ होती है। फ्रैंकलिन ये कैसे किया तुमने? ओह माय गॉड भाई, आपने कर दिखाया। तुम्हारे सामने अब तक के सबसे पावरफुल और शक्तिशाली लैंटर्स खड़े, अब तुम्हें बताओ कोई हरा सकता है या नहीं हरा सकता? तुम्हें तो मैं 5,00,000 बार भी हरा सकता हूँ, करोड़ बार भी हरा सकता हूँ, अनगिनत इनफिनाइट बार हरा सकता हूँ आप। और ये तो हमारा डार्क लैंटर्न और ये ग्रीन लैंटर्न, ये है तुम सबका टाइम लैंटर्न, ये है रेड लैंटर्न, रेनबो लैंटर्न, सन लैंटर्न, टीम फॉर लैंटर्न, अननोन लैंटर्न, ये मुझे पता है व्हाइट पावर लैंटर्न, ये टीम फॉर लैंटर्न ओवर मैक्स, और ये तो है लैंटर्न है, और सबसे खतरनाक गोल्डन लैंटर्न। और ये सबको मिला के बनता है एक ही लैंटर्न, यानी हमारा प्यारा टीम फॉर लैंटर्न। इसके आगे के जो भी शब्द है वो मेरे ये दोस्त गॉड ऑफ ड्रीम्स तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। सारे लैंटर्न्स हमला। नहीं ये नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात ट्विस्ट की, तुझे पता है गॉड ऑफ ड्रीम्स मैं इन लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओ नहीं, ये कैसे कर लिया? ओ तेरी की, अब तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी आ गए। तुम लोग भूल रहे हो, ये मेरी कॉपी आर्ट है, कॉपी आर्ट से मैंने इन लोगों को बनाया है। गॉड ऑफ ड्रीम्स, अब तुम्हें ब्रह्मांड में लेके मारूंगा। ये ले टीम फॉर लैंटर्न का ओवर पावर पंच। निकल। ये है रेड लैंटर्न की बुरी शक्तियाँ जिसे कोई नहीं रोक सकता। ये क्या? नहीं 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 नहीं।
ये ले ये रोकना इम्पॉसिबल है। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अल्टीमेट पावर, तुझे तो मैं हर ग्रह के ऊपर लेके तबाह करूंगा। तुमने मुझे बहुत तंग किया है। सनलाइटन की जलती हुई शक्तियाँ तुम्हें जला के राख कर देगी। ये ले तू नहीं बचेगा। गॉड ऑफ ड्रीम्स, ये क्या हो रहा है? नहीं, मिल नहीं पा रहा। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? मैंने कहा था तुम्हें अलग अलग जगह के ऊपर लेके मारूंगा। नहीं, मैं इतना कमजोर कैसे? तुम कमजोर नहीं हो, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ये है अननोन लैंटर्न, नाम तो सुना होगा ना। अननोन लैंटर्न की अननोन शक्तियों के साथ तुम्हारा अंत होगा। ये ले गॉड ऑफ ड्रीम्स। व्हाइट पावर लैंटर्न की व्हाइट पावर। ये क्या हो रहा है? तुम मुझे नहीं देख सकते और ना तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो। ये ले अल्टीमेट अटैक। ये ले इससे खतरनाक पावर्स। व्हाइट टोर्नेडो। ये क्या हो रहा है? नहीं, ग्रीन लैंटर्न की अल्टीमेट शक्तियाँ। नहीं, अब तो तुम्हें अर्थ के ऊपर ही देख लूंगा। आ जाओ अर्थ के ऊपर। नहीं, फिर से नहीं। तुमने मुझे पूरी तरीके से कमजोर कर दिया। मेरी सेना चली गई, मुझे हरा दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे अपना असली रूप दिखाओ। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसके लिए अब तुम्हें सारे लैंटर्न से एक साथ मारेंगे और बीच से फाड़ देंगे। सारे लैंटर्न अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर लो, हमें इस बड़े दानव को तबाह करना है। और ये क्या हो रहा है? चौप चुप हो जाओ। अब मैं अपनी असीम शक्तियों को एक करके इसको तबाह करूंगा। गॉड ऑफ ड्रीम्स, हजारों साल बाद जिंदा होके भी फिर लाखों साल तक मरने के लिए तैयार? नहीं, ऐसा मत करो। तुम तो गए। नहीं, येलो, ये मेरा अंत है। सही कहा, ये तुम्हारा अंत है और हमारी शुरुआत, क्योंकि बुराई का हमेशा अंत होता है और बुराई के अंत से ही अच्छाई की शुरुआत होती है। लेकिन कभी अच्छाई का अंत नहीं होता, क्योंकि अच्छाई अच्छाई होती है। ये ले, तेरा नाम निशान में मिटा दूंगा। ये ले। नहीं, जीत गए। सही कहा, हम लोग जीत गए। ओह माय गॉड, हम तो सच्ची में जीत गए। तुम सारे लैंटर्न्स अलग अलग टाइमलाइन से, तुम लोगों ने मुझे जो पावर्स दिए उसी की वजह से मैं इसको खत्म करने में सक्सेसफुल रहा। अरे, हम तो गोल्डन लैंटर्न्स और टाइम लैंटर्न्स की पावर्स तो नहीं ली थी हम लोगों ने। हाँ यार, मुझे नहीं पता ये कैसे है। हमने तुम्हारी सिचुएशन समझ ली थी और हमने तुम्हें पावर्स दे दी, और ऊपर से टीम फॉर लैंटर्न ओवरमैक्स वो भी आ गया। हाँ सही कहा, हमने ही तुम्हें पावर्स दिए। यार गई तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैंने ही अपनी मदद किए। वाह भाई वाह, क्या भला है। अब इन सारी पावर्स का क्या करे? और मैं तो बोलता हूँ अब इनको वापस दे देते हैं। अरे तो सारे टाइमलाइन में जाके सबको पावर्स दे देंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते फ्रैंकलिन। क्या तुम यहाँ पे? नहीं कहा फ्रैंकलिन, मैं यहाँ पे। तुम जिंदा हो गए ग्रीन लैंटर्न, ऊपर से सारे लैंटर्न जिंदा हो गए। गॉड ऑफ ड्रीम्स ने जो जो तबाही मचाई थी वो रिवर्स हो गई है। अरे तो मैं इन सारी पावर्स को अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास नहीं रख सकता। तो तुम्हें इन सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन कैसे? अगर मैं मर गया तो? तुम्हें ये रिस्क लेना होगा, नहीं तो ये पावर गलत हाथ में लग गए, किसी ने इसका बुरा इस्तेमाल किया तो सोचो क्या होगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो शुरू करो, इन सारी पावर्स को अपने अंदर ले लो। क्या तुम लोग इसके लिए मंजूर हो? हाँ, हम मंजूर है। सही कहा, हम मंजूर है। हाँ, हम मंजूर है। चलो पावर्स दे देते हैं। तो रेडी गाइस, हमें अब तक की सारी पावर्स मिलने वाली है। लेट्स गो। मैं गोल्डन लैंटर्न, तुम्हें अपनी पावर्स दे देता हूँ। मैं हेल लैंटर्न, तुम्हें अपने पावर्स दे देता हूँ। मैं ओवरमैग, व्हाइट पावर लैंटर्न, अननोन लैंटर्न, टीम फोर लैंटर्न, सन लैंटर्न, रेनबो लैंटर्न, रेड लैंटर्न, टाइम लैंटर्न, ग्रीन लैंटर्न और डार्क लैंटर्न, सारे लैंटर्न मिलकर तुम्हें पावर्स दे रहे हैं फ्रैंकलिन। येलो। नहीं, सारी पावर्स को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, शांत रहने की
की कोशिश करो। सही कहा, शांत ये हुई ना बात, मैं इन सारी पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। गाइस ये महसूस करना बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बढ़िया। फ्रैंकलिन मिलते हैं दोबारा, शुक्रिया तुम सबका मुझे हेल्प करने के लिए, बाय बाय लैंटर्न्स। चलो सब कुछ सही हो गया है। हाँ फ्रैंकलिन सब कुछ सही हो गया। भाई मेरी बात सुनो, गड़बड़ हो गई है, गॉड ऑफ ड्रीम्स जिंदा है, मरा नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो फ्रैंकी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको मैं बता देता हूँ, गॉड ऑफ ड्रीम्स जिंदा है अभी तक। लेकिन है कहाँ पे, और ये क्या हो रहा है? अरे पता नहीं ये क्या बोल रहा है फ्रैंकी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्रैंकी तुम ये क्या बोल रहे हो, कहाँ पे गॉड ऑफ ड्रीम्स? मैं उसे जाके अभी खत्म कर सकता हूँ। नहीं आप उसे कभी नहीं खत्म कर सकते, आपने तो लैंटर्न्स को भगा दिया ना, तो इसीलिए मैं आ गया, और आप तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहे हो फ्रैंकी? मैं फ्रैंकी नहीं हूँ, कॉपी आर्ट तो पता होगा ना। फ्रैंकलिन क्या हो रहा है यहाँ पे? शिट नहीं, एक गड़बड़ हो गई, जिसको मैंने मारा वो गॉड ऑफ ड्रीम्स नहीं है, वो कौन था? वो तो तुम्हारा भाई था। तो तुम कौन हो? मैं हूँ गॉड ऑफ ड्रीम्स। सरप्राइज 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 सरप्राइज, कहानी में ट्विस्ट। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, गॉड ऑफ ड्रीम्स तुम, ये चीटिंग है, ये कैसे पॉसिबल है? फ्रैंकलिन अब क्या करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो सारे लैंटर्स को वापस अपने डायमेंशन में भेज दिया। यही तो मैं चाहता था, अब तुम मरोगे। क्या तुम हंस क्यों रहे हो फ्रैंकलिन, लगता है तुम पागल हो गए हो। पागल तो तुम हो गए हो, क्या बोलते हो लैंटर्न? सही कहा, मैं तो आपके जैसा हूँ, क्या बोलते हो भाई, प्लान कामयाब रहा ना? सही कहा, मुझे लगा ही था तुम असली गॉड ऑफ ड्रीम्स नहीं हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। मतलब मैं बताता हूँ, असलियत पे मैं हूँ फ्रैंकी थंडरबोल्ट वाला, समझ में आया? मैंने कॉपी आर्ट यूज करके ग्रीन लैंटर्न की शक्ल ली थी जब फ्रैंकलिन ने गॉड ऑफ ड्रीम्स को मारा था, मतलब मुझे मारा था, एक भी पंच मुझे नहीं लगा, लेकिन यार वो ब्लास्ट गया था, मुझे चोट लगी थी भाई। अरे मुझे नहीं लगा था यार लगेगी, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? अरे हाँ ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, सारे लैंटर्न तो यहाँ से जा चुके, अब तुम फिर से अलग टाइमलाइन में जाओगे, कितना समय लगेगा? तब तक अर्थ को मैं तबाह कर दूंगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने सारे लैंटर्स को भगाया नहीं है। तो वो कहाँ पे? वो बेसिकली मेरे अंदर है। क्या बोलते हो भाई, दिखा दे इसको अपना नया रूप। हाँ भाई दिखा दो और खत्म करो, और देखो इस शरीर के पीछे कौन है। नहीं ऐसा मत करो, मुझे ये चीज पता है कि तुम्हारी ये बॉडी असली नहीं है, तुम्हारे इस बॉडी के पीछे किसी को तुमने काबू कर रखा है। जब तुम्हारी बॉडी देखी थी फ्रैंकी ने, हाँ मैंने देखी थी, वहाँ पे बस हड्डी आती लेकिन कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब तुम्हारी खास पावर कॉपी आर्ट या कोई सेना नहीं है, तुम्हारी पावर है काबू करना। हजारों साल पहले भी ग्रीन लैंटर्न को तुमने काबू किया था और उनके खिलाफ भी यूज किया था, और आज भी जो स्पेसशिप में तुम्हारी सेना आई थी वो स्पेसशिप में कोई भी नहीं था, तुम्हारी सेना थी अर्थ के मासूम लोग, तुमने उनको काबू किया था। तो मैं मेरी पावर्स के बारे में पता चल गया, ये सीक्रेट पावर थी, कैसे पता लगाया? इसीलिए तो मेरा नाम टीम फोर लैंटर्न है, और अब टीम फोर लैंटर्न को एक और लेवल ऊपर लेने का टाइम आ चुका है। तो दुनिया का सबसे विनाशकारी लैंटर्न हाजिर है तुम्हारे सामने। हो जाए भाई। हाँ सही कहा। मैं बस अपनी पावर्स बढ़ा रहा हूँ, जितने सारे लैंटर्स को मैंने भगाया था उतने सारे लैंटर्स की पावर लेके एक नए पावर को जन्म दूंगा। नया पावर मतलब नया लैंटर्न, नाम तो तुम्हें पता होगा, यूनिवर्स का सबसे खतरनाक लैंटर्न मैं हूँ। अरे भाई ये क्या हो गया? स्वागत नहीं करोगे मेरा गॉड ऑफ ड्रीम? मेरा नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नाम है सोलार लैंटर्न। अनगिनत ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ मैं तुम्हारा पूरी तरीके से अंत करूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड की चमकीली शक्तियाँ मेरे साथ है और सोलार लैंटर्न तुम्हारा अंत है। अरे भाई बहुत बढ़िया, ओह माय गॉड इतनी शक्तियाँ, कैसे, हाउ दिस पॉसिबल? सब कुछ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो तो बताओ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो किसे बताओगे? मैं जिसे भी बताऊंगा उससे तुम कुछ जान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम यहाँ पे जिंदा ही नहीं रहोगे। नहीं ऐसा मत करो, मुझे दिखाओ अपना असली रूप। दी सोलार लैंटर्न इट्स गॉड ऑफ ड्रीम्स का अंत। नहीं ये नहीं हो सकता। ये क्या? नहीं
फाइनली अंत हो गया सबका, जिसको इंतजार था वो हो गया। बस अब देखते हैं इस चीज के अंदर असलियत में कौन है। तुम्हारा असली शरीर दिखाओ मुझे गॉड ऑफ ड्रीम। अरे भाई रुक जाओ, ये तो आपका साथी लगता है। क्या नहीं कैसे, हाउ दिस पॉसिबल? अरे क्या हो गया, ये कैसे बन गया, ये तो वही है। भाई आप इसको जानते हो? मैं तो क्या, इसे पूरी दुनिया जानती है। क्या बोलते हो गाइस, आप जानते हो ना इसे? लेकिन समझ में नहीं आ रहा माइकल यहाँ पे क्या कर रहा है और माइकल गॉड ऑफ ड्रीम्स कैसे बना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका राज हमें ढूंढना ही पड़ेगा गाइस। अरे माइकल अंकल, अरे वही तो, माइकल अंकल कैसे बने? अरे यार अब मुझे मत पूछना कैसे बने, क्यों बने, क्या बने। अरे कैसे बने मुझे भी जानना है भाई। अरे मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे खुद को नहीं पता। सब लोग पेंशन के ऊपर आ जाओ, हम लोगों को इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। अरे यार ये सोलर लैंडिंग की पावर कितनी है? वो तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, चुप हो जाओ और ड्रैंकी उसको लेके आना। अरे यार मेरी को क्यों लेके आना, मैं नहीं आऊंगा इसको लेके। तो तुम्हें एवेंजर्स में नहीं लूंगा। अरे ओके ओके लेके आता हूं। फाइनली बच गया, अब आराम से थोड़ा चल चल के मौसम का आनंद लूंगा। और ये वाली पावर्स तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। ये टीम फोर लैंटर्न का अगला वर्जन है, मुझे फिर से टीम फोर लैंटर्न बनना ही पड़ेगा क्योंकि सोलर लैंटर्न की पावर बहुत है। मुझे उल्टी भी हो रही है, मैं उल्टी करता हूँ गाइस झाड़ियों में। तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। इतनी पावर फ्रैंकलिन को पची नहीं, चुप हो जाओ चुप। ओह माय गॉड, इसके पता एक लाइक रख दो।